मेरा नाम श्वेता पटेल है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं एम एस सी आई टी कर रही हूँ। तो मुझे वैकेशन में कोई कोर्स करना था, मतलब कोई ऐसा कि हमको कुछ न्यू नॉलेज मिल सके, जैसे कि हमारे पीएम सर ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया है, तो उसमें डिजिटल एक्चुअली में है क्या। तो एक बार मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके वो सारी वेबसाइट दिखाई दी थी, तो उसमें मैंने ब्रांडवेदा का देखा, तो और मैंने वो वेबसाइट विज़िट की, तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ थी कि जो हमारा फ्यूचर में हमको जॉब दिलाने में, हमें काम दिलाने में हेल्प कर सकती है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो मैंने वहाँ पे संदीप सर का नंबर था तो मैंने विज़िट किया और संदीप सर ने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मतलब क्या क्या आप, मतलब पहले हमको पूछते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में बारे में क्या पता है वो सब, फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे ये वर्क करता है, जैसे SEO है, PPC है, CPC है, वो सब कैसे वर्क करता है, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या होता है, सिर्फ फेसबुक पे कुछ शेयर करने से या गूगल पे वो सब उतने में डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता, मतलब ऑनलाइन आपको कैसे कमाना है, कैसे मनी अर्न करना है, वो सब एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। सो मैंने वो उसके बाद विजिट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं जॉब अच्छी तरह कर सकती हूँ, मुझे अच्छा न्यू नॉलेज मिलेगा। तो फिर मैंने क्लास ज्वाइन किए यहाँ पे, फिर क्लास ज्वाइन किए, उसमें संदीप सर हमको टीच करते थे, उनका टीचिंग इतना अच्छा है, मतलब जैसे आपको कोई स्कूल में कोई मैडम कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिटेल में जाके कितना समझाते हैं, अगर आपके फेस पर से आपको मूड नहीं है तो भी सर बता देंगे कि ऐसा हो, तो आप कुछ बता सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, वो सामने से बताएं, मतलब ये यहाँ पे ये क्लास का प्लस पॉइंट है कि एक भी स्टूडेंट को ये ऐसे इग्नोर नहीं करते कि मैंने मेरी टीचिंग ख़त्म हो गई तो मेरा काम ख़त्म, वो पर्टिकुलर पर्सनली जाके स्टूडेंट्स को पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरीज है वो सब। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो दूसरे क्लासेस में भी नहीं होते, जैसे दूसरे क्लासेस में 50 स्टूडेंट होंगे तो उनको पर्सनली पूछने नहीं जाएंगे, बट यहाँ का ये प्लस पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि दो महीने का या 3 महीने का कोर्स है तो उतने में ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप 2 महीने के लिए कोर्स करते हो, फिर आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी काम में, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे जॉब में कोई टास्क दिया, मुझे कोई काम दिया, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ पे नहीं पूछ सकती, क्योंकि मेरे कोई भी सर होंगे वो मुझे हेल्प उस टाइम पर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर मैंने सपोर्ट दिया है संदीप सर का, तो मुझे बोलते हैं कि ऐसे ये चीज़ है, जैसे कि SEO है तो SEO मुझे कैसे एडवर्टाइजिंग करनी है, कीवर्ड्स प्रॉपर कैसे होने चाहिए, मतलब अभी मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का था, उसमें मुझे कैसे कैसे कीवर्ड्स होने चाहिए, मैंने अपनी तरह से उनको बताया कि मैंने ये किया, बट सर ने मुझे बताया कि ऐसे कीवर्ड से इतनी ज़्यादा इंप्रेसिंग हमको नहीं मिलेगी वेबसाइट में, तो उन्होंने चेंज करके, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको सिर्फ 2 महीने का कोर्स नहीं होता, यहाँ पे कभी भी आप आ सकते हो, आपका काम करवा सकते हो, फिर फुल्ली सपोर्ट मिलता है कि आपको क्या क्या करना है। फिर इसका ये प्लस पॉइंट है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने का ब्रांडवेदा में, कि यहाँ पे आपको 100% जॉब मिलती है, और ऐसा नहीं है कि आपको आपने इतना काम किया तो इतनी सैलरी, आपके टैलेंट के हिसाब से यहाँ पे जो भी, और यही लोग प्लेसमेंट देते हैं, तो यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और SEO है, जैसे SEO में सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, SEO एक ऐसी चीज़ है कि आप गूगल पर कोई भी सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड दिखाई देती है, वो सब कहाँ से आती है, वो SEO यूज़ करने पर वो सब आपको रिजल्ट मिलते हैं, जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर होटल्स इन गोवा ऐसे कुछ सर्च करते हो तो आपको नीचे बहुत सारी ऐड दिखाई देगी। तो हमको ये यहाँ पे ये पूरे कोर्स में ये सब सीखना मिला है कि आप ऐसा तो क्या करो, ऐसे क्या कीवर्ड यूज़ करो, या सब कुछ आप ऐसा क्या काम करो अंदर डिजिटल के अंदर कि आपके गूगल में कोई भी कुछ भी सर्च करे तो आपकी वेबसाइट टॉप होनी चाहिए, मतलब कि हमारी एडवर्टाइज कैसे करनी है, कैसे हमारे कॉम्पिटिटर को हमको उससे आगे जाना है, वो सब बहुत सीखने को मिलता है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टिंग हो तो प्लीज़ ज्वाइन अ ब्रांडवेदा। थैंक यू।